Hello student, good morning. Standard 6, Math Chapter 3, Exercise 3.4, Question number 1, इसमें A और B हमने पहले कर दिया है, अब आगे है C. तो find the common factor of 35 and 50. तो दोनों में हमें common factor देखने का है. तो 35 तो 1, 5, 7, 35. अब 5 के टेबल में और 7 के टेबल में 35 आता है और 35 itself. फिर है फैक्टर ऑफ द 50, 1, 2, 5, 10, 25, 50, 25, 2, 50, 50 इससे तरह कॉमन फैक्टर निकलेंगे 1 and 5. फैक्टर ऑफ 56 and 20, 120. तो फैक्टर ऑफ 56 इक्वल 1, 2, 4, 7, 8, 14, 28 and 56. तो फैक्टर ऑफ 120 देखेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 15, 20, 24, 30, 16, 20, 120. दोनों के कॉमन फैक्टर आएंगे 1, 2, 4 and 8. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ, पहले 2 फिगर के हमने कॉमन फैक्टर देखे, अब 3 फिगर के, 4, 8 and 12. तो फैक्टर ऑफ 4 इक्वल 1, 2 and 4, 8 इक्वल 1, 2, 4 and 8, 12 इक्वल 1, 2, 3, 4, 6, 12. कॉमन फैक्टर आएंगे 1, 2, 4. क्वेश्चन नंबर बी, 5, 15 and 25, तीन के हमें कॉमन फैक्टर निकालने के. तो 5 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में भी 15 आता है और 5 के टेबल में 25 आता है. तो 5 का कॉमन फैक्टर है 1 और 5, 1, 3, 5, 50, 1, 5, 25. तो कॉमन फैक्टर आएगा 1 and 5. अभी हमें मल्टीप्लाई देखने का है, कॉमन मल्टीप्लाई. मल्टीप्लाई का मतलब है वो हमें टेबल लिखने का है, दोनों के टेबल में जो कॉमन आता है वो कॉमन मल्टीप्लाई होता है. तो 6 and 8 का कॉमन मल्टीप्लाई 24, 42 and 72.